अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक मजाक। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरा सभी प्यारा भाई बहनों, मेरा प्यार भरो नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो एक्चुअली अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। दरअसल दादी की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको भी चाय दे दिए, नाश्ता वगैरह उन्होंने कर लिया, मूंग दाल की खिचड़ी बना दी थी उनके लिए, सभी उन्होंने खा ली। उनको बहुत ठंड लग रही है, तो वो उनको भी दवाई वगैरह तो नहीं दी है। और मैंने कहा ऐसे कोई दवाई देने से अच्छा पहले एक बार डॉक्टर से पूछ के आ जाता हूँ कि क्या दवाई देनी है उनको अभी, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, एजेड हैं तो पकड़ लेता है फीवर, और आजकल वैसे भी वायरल चल ही रहा है। तो मैं जाके आता हूँ फटाफट से और उनके लिए दवाई लेके आता हूँ, फिर मिलते हैं। तो राजेश का अपडेट कुछ ऐसा है, अभी राजेश की तबीयत थोड़ा ठीक है, पहले से ठीक तो क्या कह सकते हैं मतलब, लेकिन जिस दिन स्टार्टिंग से लेके और अभी तक में बहुत फ़र्क है। और अभी वो अच्छे से खा पी भी रहा है और खुद से भी चीज़ें बता रहा है कि उसे क्या खाना है, क्या खाने का मन कर रहा है। और बाकी डॉक्टर्स ने एक बार उसको व्हीलचेयर पे बैठा के भी चेक किया था कि उसको कंफर्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन अभी कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि अभी अभी नया नया ऑपरेशन है, इसलिए उसको पेन हो रहा था। तो मे बी 5-10 मिनट में फिर उसको बाकी दोबारा बेड पे लेटा दिया था। तो अभी मे बी कमल आ जाए एक बार, फिर देखते हैं कि दोबारा उसको देखने ज़रूर जाएंगे। और बाकी तो वो ठीक है, तो चलिए मैं भी निकलता हूँ और फटाफट से दादी के लिए दवाई लेके आ जाता हूँ। तभी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, लेकिन अभी भीड़ है वहाँ पे, लोग हैं, तो 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, तो वेट कर लेते हैं। प्रणाम, कैसे हैं? दादी की तबीयत फिर से ख़राब, दादी को बुखार और बॉडी पेन और खांसी हल्की हल्की, जुकाम भी है। अभी लास्ट टाइम तो दवाई लेके गया था मेरे से पहले ना, दादी के लिए लेके गया था वो दवाई, हाँ वायरल चली रहा है। तो अभी कम्बल उम्बल ओढ़ के सो रखी थी, मुझे पता ही नहीं था। तो अभी उनको, हाँ मतलब कल से हो रही थी शायद, हम तो लेट आते हैं। हाँ बुखार तो मैंने टच किया इतना नहीं था, लेकिन उनकी मतलब एकदम डाउन हो रही हालत। हाँ तो अभी फिर मैंने उनको खिचड़ी दे दी थी और चाय दे के आया था, कुछ नहीं दिया मैंने, कहा पहले एक बार आपसे पूछ लो। हाँ और गुनगुना पानी देना है पीने के लिए, ठीक है? नहीं दे रहे। हाँ तो दवाई मैंने ले ली है, अभी 3 ही खुराक दी है उन्होंने, और अभी जाके एक गोली खिला देता हूँ, फिर रात को चलिए फटाफट निकल जाता हूँ। तो अभी मैं घर पहुँच गया हूँ और अब दादी को देता हूँ दवाई। अभी तक सोई हैं, चाय, हाँ चाय तो पी ली, पानी वाला गर्म है। तो मेडिसिन दादी को दे दी है अभी, और अभी खुशबू बता रही है कि वो भैया आ रखे थे इलेक्ट्रिशियन, तो वो बता रहे हैं कि इन्वर्टर के अंदर की प्लेट ख़राब हो रखी है उनके हिसाब से। अगर वो ख़राब हो रखी होगी फिर तो इन्वर्टर पर बड़ा खर्चा है, 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा ये। तो अभी देखते हैं कि क्या हिसाब है, अगर वो बोल रहे हैं कि ट्राई करूँगा कि कम में ही हो जाए, क्योंकि आप हमारे गांव के हैं, वो बहुत बढ़िया भैया हैं, उनका नाम सुनील है, यहीं पे ही उनकी भी नींबू चोर में शॉप है। तो अभी मैं था नहीं यहाँ पे, सारी मेरी गैराजगी में वो आए हैं, तो ऐसा ऐसा बता के गए हैं, और उन्होंने बोला कि इन्वर्टर ये उनकी शॉप पे छोड़ दें, क्योंकि वो बाइक पे थे तो अकेले कैसे लेके जाते हैं, तो अभी जाते टाइम मैं खुशबू वहाँ छोड़ देंगे इसको। तो चलिए फटाफट से नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करते हैं आज के दिन में हम लोग। हेलो, नमस्ते, हेला, कैसे हैं आप सब? तो अभी हम रेडी हो गए हैं कैफ़े जाने के लिए। तो अब आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो इन्वर्टर है वो ख़राब हो गया है, मतलब पिछले 2 दिनों से ख़राब था। तो आज भैया को बुलाया था, इलेक्ट्रिशियन भैया को बुलाया था बैंक पे, तो उन्होंने कुछ चेक किया, तो उन्होंने बोला कि ये मतलब शॉप पर ही दिखाना पड़ेगा, तो इसे जब आप लोग जब भी आओगे तो इसे अपने साथ लेते हुए आना। तो अभी हम वही कर रहे हैं, मतलब वही, मतलब मैं क्या मैं कर रहा है, शायद उसे निकाल रहा है इन्वर्टर को। तो आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टर है और इसे हमने रख दिया है और हम इसे शॉप पर लेकर जाएंगे। ऐसे मत पकड़ना, ठीक है? इसको ऐसे भी बाइक पे रखना पड़ेगा। जिस हिसाब से तुम रिएक्ट कर रहे हो इतना भारी है क्या? भारी? अच्छा अभी उठा के देखो तो पता चलेगा भारी है कि हल्का है। अरे तो फिर इतना भी भारी थोड़ी होगा।
अरे मेरे कंधे की वजह से थोड़ा पता थोड़ा वो होता है ना जी, कंधे में दर्द रहती है। क्या होता है? मेरे को वेट सही होता है एक हाथ पे। अच्छा, वन साइड वेट होता है इसका, आधा हाथ इस तरह से तुम्हें हल्का लगेगा, एक तरह से भारी लगेगा। ऐसा क्यों? तो उसका होता हुआ सिस्टम जो भी माल वाल उसके अंदर रखा हुआ उसकी वजह से। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि कब ठीक करके देंगे या हम ऐसी अंधकार में रहेंगे? क्योंकि अभी भी लाइट नहीं है और हम लोग ऑलमोस्ट आधे घंटे से बिना लाइट के। तुम मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो क्या? किसका? मेरा या तुम्हारा? चलो बैठो, बैठो बैठो। करना क्या चाहते हो तुम? बैठो भी तुम ना पहले बाइक पे। पहले मैं बैठ जाऊं? गिर नहीं जाएगा सिट्टी? हाँ है। खड़े में ऐसे ठीक है। पर फिर बैग भी है और भी सामान है। चलो तो फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं और इन्वर्टर वहां पे दे दिया था, भैया थे नहीं तो मैं बगल वाली शॉप में रख दिया था। तो अभी यहाँ पे आजकल क्या है ना, पेंट वेंट हो रहा है सब जगह, तो एकदम नशा हो जा रहा आती है वो टार पेंट की स्मैल ये सब हो रही है और बाहर सब दुकानें सज रही हैं अच्छे से। हमें भी लड़ी वगैरह लगानी है, आज टाइम मिला नहीं लेकिन आज शाम को जाके लड़ी निकाल लूँगा यहाँ के लिए भी और घर के लिए भी। एक्चुअली कमल को बस नहीं मिल रही आने के लिए, जो छोटा भाई है मेरा, तो अभी देखो वो ट्रेन की टिकट बुक कर रहा है बट वो भी वेटिंग में है और ट्रेन है सुबह 6 बजे की दिल्ली से, तो देखो अभी क्या हो पाता है। अगर उसको ट्रेन मिल गई तो आएगा, वरना आपकी बार हमारी दिवाली ऐसी चली जाएगी। इसके लिए तो कुछ खास कर, चलो जैसी भगवान की मर्जी, करते हैं फटाफट से अब साफ सफाई। मालिक लोग देखो बैठ कैसे कॉफ़ी पीते हैं और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी हमने काम पे लगा रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि एम्प्लॉयज़ क्या काम कर रहे हैं हमारे। एक ही एम्प्लॉयज़ क्या है, एम्प्लॉई है हमारे पास एक ही है हमारा, और लॉन्डर एम्प्लॉय। देखो जरा अच्छे से लगाना कॉर्नर कॉर्नर तक, ठीक है? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक मजाक। मैडम खुद ही लगा लो, क्या है ये, हमेशा तुम वीडियो ही बनाते रहते हो मेरी। जोकिंग है ये, जोक है, जोक मजाक। मैं लगा रहा हूँ भाई, मैं लगा रहा हूँ, तुम ही लगाओगे। तुम एम्प्लॉय हो, मैं नहीं हूँ, ठीक है? मैं मालिक हूँ। मैं हूँ एम्प्लॉय, मैं मालिक। दरअसल पोछा लगाने का प्लान मेरा था लेकिन अभी इसने मेरे लिए कॉफ़ी बना दी थी, तो मैंने कहा चलो पहले मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, बट वो ज़बरदस्ती उसने बोला पहले मैं ही लगा देती हूँ पोछा भी, क्योंकि टेबल वगैरह बाहर की सारी क्लीन वगैरह मैंने कर दी थी, वो अभी कर लूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब लोग दिवाली की तैयारियाँ कर रहे हैं, लोग अपनी शॉप्स के आगे जो वो सामान बेचते हैं अपने अपने स्टॉल लगा रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ बाहर जाके। और रही बात वो जो मैं कवर बता रहा था, तो मैंने अभी अमेजोन से ऑर्डर कर लिया है और वो वेडनेसडे को डिलीवरी बता रहा है। अब देखो अगर वेडनेसडे तक आ गया तो ठीक, अगर वहाँ से आ गया तो भी ठीक। तो चलिए चलते हैं बाहर और दिखाता हूँ मैं आपको कि बाहर क्या चल रहा है। तो एक तो हमारी कॉम्प्लेक्स के आगे लग रही है, अभी लाइट्स वगैरह लगी नहीं है, शायद कल से लग जाएंगी। और ये मेरे बोर्ड की लाइट टूटी हुई है। तो अभी सब लोग कॉम्प्लेक्स में जा चुके हैं और टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं और बाहर सब शराबी वराबी घूम रहे हैं, तो सोचते हैं फटाफट से निकल जाते हैं क्योंकि ठीक नहीं है इतना लेट तक रुकना, लेकिन क्या करें बस कस्टमर के लिए हम लोग रुक जाते हैं। तो चलिए फटाफट से निकल जाते हैं घर और मिलते हैं आपको सीधा घर पहुँच के।
तो अभी आए हुए हमें ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो गया है, और घर आते ही मैंने तो फटाफट से हाथ मुंह धो के डिनर कर लिया था, और जितनी देर में मैं डिनर करना था उतनी देर में इसने डिनर भी कर लिया, और ये आके यहाँ पे लेट के अपना अनुपमा देखने लग गई है। तो अनुपमा इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए ये खाना पीना सब कुछ छोड़ सकती है। चलो कोई नहीं, इसको अपना अनुपमा देखने देते हैं और हम लोग भी फटाफट से व्लॉग एंड कर लेते हैं आज का, क्योंकि फिर अभी फटाफट से मेरे को एडिटिंग करनी है, फिर सोना भी है। तो चलिए मिलते हैं कल आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, गुड नाइट, शुभ रात्रि।